हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है अगर जिसके हाथ पैरों में दर्द रहता है और ये सुन्नपन की शिकायत हो चुकी है, यानी कि नंबनेस की शिकायत हो चुकी है, नसों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, ब्लॉकेज हो चुकी है नसों में, या वात रोग है, घुटनों में कमर में दर्द रहता है, तो आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल 3 दिन के लिए रोजाना करना है। 3 दिन में आपको इसका रिजल्ट यानी कि असर मिल जाएगा। उसके बाद आपने इसे 15 दिन के लिए कम से कम फॉलो जरूर करना है। शरीर के सभी दर्दों को गायब करके नसों में कमजोरी, नसों में दर्द, सूजन, चक्कर आना, ब्लॉकेज की समस्या का ये इलाज कर देगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और वो है शरीर में नसों की कमजोरी, दबी हुई नस, नसों में दर्द होना, नसों की ब्लॉकेज के बारे में। तो आखिर नसों में कमजोरी किन कारणों से आती है? दोस्तों, हमारे खाने पीने की गलत आदत, खराब लाइफस्टाइल, एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में कई घंटों तक बैठे रहना, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से शरीर की नसों में कमजोरी आने लगती है, दर्द में सूजन आने लगती है। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर या फिर आर्टरीज के अंदर फैट जमने से भी नसें कमजोर हो सकती हैं। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से भी नसें कमजोर हो सकती हैं, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी नसों पर ही पड़ता है। शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, या फिर बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत की वजह से नसें कमजोर हो जाती हैं। कैंसर व ट्यूमर जैसी बीमारी होने पर भी नसें कमजोर हो जाती हैं, या डायबिटीज के कारण तो नसें कमजोर और नसों में ऐठन रहने ही लगती है। दोस्तों, नसें कमजोर होने की वजह से डेली रूटीन में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, काम करना मुश्किल हो जाता है, उठने बैठने में, चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है, आराम भी नहीं किया जाता, उस दौरान बहुत ही तकलीफ होती है। इसके अलावा दोस्तों, जब नसें दब जाती हैं तो नसों के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इससे वो नस सिकुड़ जाती है। टाइम पर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो वो जगह डैमेज सी फील होती है, या फिर लकवा जैसी समस्या पैदा हो जाती है, शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इसीलिए नस दबने की समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में नसें कमजोर हो रही हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं? दोस्तों, नसें कमजोर होने की स्थिति में नसें सुन पड़ने लगती हैं, चक्कर आने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आंखों के आगे भी अंधेरा सा छाने लगता है जब हम नीचे से बैठकर खड़े होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको नसों की कमजोरी को दूर करने का बहुत ही पावरफुल घरेलू उपाय बताने वाली हूँ, जो आपकी इन दबी हुई नसों की कमजोरी को भी पूरी तरह से दूर कर देगा, ठीक कर देगा। इसके साथ ही ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम, खराब कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम, एड़ियों में दर्द, या फिर कमर दर्द होना, थकान, कमजोरी रहना, इन सारी समस्याओं को भी दूर कर देगा। दोस्तों, ये बहुत ही घरेलू इफेक्टिव उपाय है, जो पूरी तरह से नेचुरल है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है मेथी दाना। मेथी दाने के कितने फायदे हैं आप उनके बारे में गिन भी नहीं सकते। मेथी दाना कब्ज की प्रॉब्लम को ठीक करता है, नसों में होने वाली ब्लॉकेज को ठीक करता है, शरीर में बढ़ी हुई वात को बैलेंस में करता है, डायबिटीज वालों के लिए तो एक रामबाण दवाई की तरह काम करता है, औषधि की तरह काम करता है। इसके अलावा मेथी दाना बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है, ये स्किन को डैमेज नहीं होने देता, स्किन पर ग्लो लाने का काम करता है, जिसे हम लंबे समय तक जवान दिखते हैं। इसके अलावा मेथी दाना हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बॉडी में कफ नहीं बढ़ने देता, दिमाग को एक्टिव रखता है, हेल्दी रखता है, हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो। दूसरी चीज जो हमने यहाँ लेनी है दोस्तों, वो है दालचीनी। दोस्तों, इसके बारे में तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे कि ये आपके किचन में ज्यादा यूज भी होती होगी, स्वाद को बढ़ाने का काम भी करती है। ये स्वाद को बढ़ाने के अलावा मोटापे को कम करती है, खराब कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करती है, शुगर में जो भी इंसान दालचीनी का सेवन करता है उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद होती है। शरीर के सारे टॉक्सिन्स को ये बाहर कर देती है। नसों की ब्लॉकेज को पूरी तरह से खोलने के लिए 15 दिन दालचीनी का इस्तेमाल करके देख लीजिए। हाथ पैर सुन रहते हैं तो आप इसका सेवन सीधे पानी के साथ भी कर लेंगे तो भी आपको फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा ये खून के बहाव को बिल्कुल ठीक करती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है। तो हमने यहाँ पर दोनों चीजें लेनी है, मेथी दाना और दालचीनी। इसका इस्तेमाल कैसे करना है आइए जानते हैं। यहाँ पर आपको 1 गिलास पानी लेना है। अब आपको इसके अंदर आधा चम्मच मेथी दाना और 1 इंच
दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है। इसे रात भर के लिए ढककर भिगोकर रख दीजिए। सुबह जब भी आप उठेंगे उसमें आपने इसको छान लेना है, पानी को आपने पी लेना है। ये पानी भी हमारे काम का है और ये जो छानी हुई दोनों औषधियां हैं ये भी हमारे काम की है। ध्यान से देखिए आगे आपने क्या करना है। यह जो पानी हमने छान कर अलग किया है इस पानी को आपने सुबह सुबह उठते ही बिना कुड़ला किए बासी मुंह पी लेना है। अब ये जो मेथी दाना है और दालचीनी है इसका क्या करना है दोस्तों, इन दोनों चीजों को किसी भी चीज से कूट लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए। अब आपको इसके अंदर आधा चम्मच शहद मिक्स करना है और अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो शहद भी आपने मिक्स नहीं करना, सीधे ही इसे आपने खा लेना है, चबा लेना है। डायबिटीज नहीं है तो आप इसके अंदर शहद मिक्स करके खा लीजिए। इसे खाने के बाद ऊपर से आपने आधा कप, मतलब चाय वाला कप होता है ना, जो आधा कप गुनगुना पानी पी लेना है ताकि वो बहुत अच्छे से अंदर चला जाए। तो ध्यान रखिए गुनगुना पानी ही पीना है। ये जो औषधि आपको बताई है ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सही कर देगी, नसों की ब्लॉकेज को खोल देगी, शरीर में होने वाली सूजन को खत्म कर देगी, पिंडलियों में जांघों में दर्द रहता है या वेरिकोज वेन की समस्या आ चुकी है तो उसे ठीक करने में भी ये बहुत मदद करती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अगले उपाय के बारे में। दोस्तों इस घरेलू उपाय को बनाने के लिए हमने एक बर्तन में एक गिलास पानी डालकर इसे गैस के ऊपर रख दीजिए। अब इस पानी में 3 चुटकी दालचीनी पाउडर ऐड कर दीजिए, यानी कि डाल दीजिए। दालचीनी पाउडर घर पर पिसा हुआ होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर इसको आपने इसके अंदर डालनी है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची जो काली वाली होती है वो आपने आपकी आसपास की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। उसको हल्का सा कूटिए, यानी कि बीजों को बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, बस हल्का सा कूटना है और इस पानी के अंदर डाल दीजिए। तीसरी चीज जो हमने इसके अंदर मिक्स करनी है वो है लौंग। लौंग टोपी वाला लौंग होना चाहिए और उसे भी हल्का सा कूट कर इस पानी के अंदर डाल दीजिए और पानी को उबाला आने के लिए रखिए। ध्यान रखिए यहाँ पर सिर्फ हमने एक लौंग का ही इस्तेमाल करना है, लौंग की तासीर गर्म होती है। पानी को अच्छे से उबलने दीजिए ताकि इन तीनों चीजों की गुडनेस, उनकी सारी क्वालिटी इस पानी में आ जाए। आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, बहुत अच्छे से उबाला आ जाएगा। उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और इसे ढक कर रख दीजिए। ये ट्रिक दोस्तों एक इंसान के लिए हमने बनाया है। आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो इन चीजों की मात्रा भी बढ़ा देना। अब इस ड्रिंक में आखिर किस चीज को ऐड करना है वो है दोस्तों गुड़। हाँ अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आप बेफिक्र होकर गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, वो भी डार्क कलर के गुड़ का। गुड़ के अंदर ऐसी चीज यानी कि कैल्शियम पाया जाता है और आयरन पाया जाता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारी स्किन पर ग्लो लाता है, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, इन सभी समस्याओं को दूर कर देता है। इस रेमेडी का इस्तेमाल भी आपने 15 दिन ही करना है, इसे ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये नसों की कमजोरी को, नसों में ब्लॉकेज, नसों में सूजन, इन सभी समस्याओं को दूर कर देगा। इस ड्रिंक का सेवन आपने खाली पेट ही करना है, ये न्यूट्रिशन वैल्यू से भरा हुआ है, आपके अंदर एनर्जी भर देगा। इसके अलावा हो सके तो आप दिन में कभी भी आपको भूख लगे तो आप 1 चम्मच के करीब खरबूजे के बीज खाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये जानकारी यहीं तक थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए फायदेमंद होगी। दोस्तों अगर आपके भी हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है तो इस रेमेडी का, इन दोनों में से किसी एक रेमेडी का इस्तेमाल आपने जरूर करना है। अगर आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।